जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जी के टेका पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मतलब चर्चित एक न्यूज़ फैल रही है आप सभी कैडेट्स के बीच में कि सर एनसीसी का एग्ज़ाम है वो आपका पैटर्न चेंज हुआ है नहीं हुआ है। मेरा महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, पंजाब का, हरियाणा का, इनका हुआ या नहीं। तो मैं हर स्टेट की जो भी इन ऑफ मिल रही है उसके यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू वो सभी चीज़ें बता रहा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव हुआ, किन स्टेटों में ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव हुआ, ए बी और सी सर्टिफिकेट में कौन से सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, वो इसी वीडियो में आपको मैं एक वो सभी स्टेट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में मतलब जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑफिशियली वहाँ से डिक्लेयर हो चुकी है। तो उसी के थ्रू मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए। ओके, तो यही हमारा टाइटल है आज का, ध्यान रखना कि डायरेक्टरेट के अनुसार एग्जाम पैटर्न चेंज। तो ढाई डायरेक्टरेट में ये नहीं हुआ है कि आपका ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव, आप इसे रिमेंबर रखिए अपने माइंड में। यू हैव टू शुड बी क्लियर इन द माइंड कि जितने भी डायरेक्टरेट है ना, जितने का मतलब सर 17 ही तो डायरेक्टरेट है, बिल्कुल 17 डायरेक्टरेट है। तो 17 डायरेक्टरेट का ऐसा नहीं है कि सभी का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गया एग्जाम, नहीं हुआ है। कुछों का हुआ है, वो कैसे वो सभी मैं इस वीडियो में अच्छे से आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ये आपको क्या है ध्यान रखना, आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे कि बिहार एंड ध्यान रखना झारखंड डायरेक्टरेट, दूसरा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट, तीसरा महाराष्ट्र डायरेक्टरेट और अनदर रेस्ट डायरेक्टरेट, यानी इनके अलावा जो बचे वो अदर डायरेक्टरेट हैं उनके एग्जाम। तो वो सभी इस वीडियो में आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन अंत में मैं आपको दूंगा और आपको अंत में सभी चीज़ें पता चल जाएगी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है कैसे नहीं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी इससे पिछले वाले सेशन में जिसमें एक न्यूज़ आई थी किसकी, बिहार और झारखंड वाले एग्ज़ाम को लेके। ये आप देख रहे होंगे जो ये कटिंग थी हमारे कैडेट्स ने भेजी थी ग्रुप में, तो ये कितनी मतलब एक चर्चित या हम कह सकते हैं कि इतनी स्प्रेड फैल रही थी, मतलब पूछो मत कि एकदम एग्ज़ाम आ गया कितना सर पे। तो मैं वही आपको सारी चीज़ एक एक बताऊंगा और ऑथेंटिक के यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी लाया हूँ जो आपको यहाँ पर दिखाता मैं रहूँगा। ओके, तो सारी चीज़ आपको मैं एक्यूरेसी और बिल्कुल एक अच्छी नॉलेज के साथ यहाँ पर आपको बता रहा हूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्यान रखना, और ध्यान रखना जो मैंने यहाँ टाइटल लिख रखा है ना बिहार एंड झारखंड, तो उसी के यहाँ पर यहाँ पर एग्जाम बताऊँगा, ये ध्यान रखना ठीक है ना। तो इसलिए बी के लिए फुल्ली प्यार से और मतलब अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्यान रखना आपका बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपके एनसीसी परीक्षा में जो है ना अब एमसीक्यू बेस्ड, यानी आपका जो होगा एम ओएमआर सीट पे होगा ठीक है ना, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर के यहाँ पर आपको पैटर्न वहाँ पर देना होगा। यानी हर एक क्वेश्चन के ध्यान रखना क्या होंगे, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, उसी के यहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये जो न्यूज़ आई थी ना मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर जो बिहार की है वहाँ की आई, वहाँ से आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था उनके जो कर्नल थे ए के सिंह है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कर्नल ए के सिंह, तो उनके थ्रू मतलब यहाँ पर ये न्यूज़ डिक्लेयर करी गई थी अमंग द कैडेट्स। ओके, तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका अब ये ध्यान रखना है कि फाइनली ये डिसाइड हो चुका है बाय दिल्ली डायरेक्टरेट के द्वारा, जो आपका डी जी एन सी सी है हेडक्वार्टर दिल्ली में, और बाय मतलब बाय का मतलब आपके ध्यान रखना थ्रू फ्रॉम किसके, आपके जो बिहार बटार बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट के यहाँ पर। तो आपको पता होगा एनसीसी में तीन एग्जाम होते हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो आपका जो ए सर्टिफिकेट है ना बिहार और झारखंड के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ओनली आई टॉक टू इन दिस वीडियो इन दिस पी डी एफ बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट। तो आपका जो ए सर्टिफिकेट है ना उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपका एग्जाम होगा, ये आपको क्या ध्यान रखना, क्या होगा सर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा जो आपका कमिंग फर्दर ईयर है ना, कौन सा सर 2023 ही, यार अभी तो 2022 ही चल रहा है ना, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से सर्टिफिकेट को सर, ए सर्टिफिकेट को, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपकी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, इनके भी भैया एज यूजल जैसे ए सर्टिफिकेट का एग्जाम 2023 में कंडक्ट होगा एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे ही बी सिमिलर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप कंडक्ट होगा। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस बात को लेकर कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव होगा। तो अब बिहार और झारखंड वाले डायरेक्टरेट के जो कैडेट्स हैं चाहे वो एसडब्ल्यू हो या एसडी हो या आपके जेडी हो या आपके जेडब्ल्यू हो, उनकी जो क्वेरीज है वो यहाँ पर कंप्लीट फुल्ली हो गई सोल्व। बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होती रहेगी अपडेट वो आपको मैं वीडियो के थ्रू करता रहूँगा मतलब इन ऑफ। तो इसलिए भैया अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको जो सभी जो नोटिफिकेशन हो मिलती भी रहे। ओके, मैं इतनी जल्दी नहीं बनाता वीडियो जब तक मेरे को ऑथेंटिक जो सभी मेरे को नहीं मिल जाती चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ध्यान रखना आपका चाहे बिहार का ए या बी हो या सी हो, तीनों में ही ध्यान रखना क्या होगा, तीनों का एग्जाम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो भैया अपनी प्रिपेयर कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत तक। तो यहाँ तो हमने बिहार झारखंड की बात कर लेते हैं, सर आप कैसे कह रहे हो इस बात को लेके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं आपको प्रूफ भी लाया हूँ, देखिए ईमेल ओनली मतलब डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी वेस्ट ब्लॉक है ना, वेस्ट ब्लॉक फोर्थ आर के पुरम न्यू दिल्ली में, तो इसके थ्रू यहाँ पर एक इनोव देख रहे हो यहाँ पर ठीक है, इस टाइम पर भी अब देखो किस किया
2022 की है। ओके तो अब देखो, प्रिपरेशन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एंड आंसर बैंक फॉर एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये क्या है आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ, अब देखो, स्टडी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ओएमआर बेस्ड एनसीसी एग्जाम पैटर्न दिल्ली डायरेक्टेड बिहार एंड झारखंड। तो यहाँ ध्यान रखना, फुल्ली डिसाइड हो चुका है कि जो बिहार और झारखंड वाले डायरेक्टेड है ना, मतलब बिहार और झारखंड डायरेक्टेड है, उनका एग्जाम जो है ना अब स्टडी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ओ एम आर बेस्ड एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम पैटर्न, किसमें सर, आपका ए बी और आपका बी बी और आपका सी, यहाँ पर आपको जैसे मैं दे ही रखा है। तो ये ध्यान रखना भैया, ये ध्यान रखना बिहार और झारखंड का अब क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। तो अभी से अपना रेडी रखिए, ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट में। ओके तो अब इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड आपका तेलंगाना डायरेक्टरेट में। तो अभी तक मैंने आपको बिहार का बता दिया, बिहार और झारखंड का, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना डायरेक्टरेट में। तो इसमें आपका भी ध्यान रखना, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अच्छे से यहाँ देख लो, कभी आप सोचो कि यहाँ पर जैसे बिहार के तीनों सर्टिफिकेट के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, तो इसमें कुछ अलग ही ध्यान रखना। आपका जो इसमें ए सर्टिफिकेट है ना, तो ए सर्टिफिकेट का जो आपका पेपर होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर कमिंग ईयर आपका ध्यान रखना 2023 के यहाँ पर, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपका बी सर्टिफिकेट और आपका सी सर्टिफिकेट में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा इस बार, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप्स होगा, ये आपको क्या है ध्यान रखना 2023 में। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर आपको एक सिंबल बना के दिया, आपका बी एंड सी सर्टिफिकेट विल बी कंडक्ट एज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 2024, यानी अभी तो आपका 2023 में बी और सी सर्टिफिकेट ओनली और सब्जेक्टिव टाइप्स होगा, लेकिन 2024 है ना, उसमें जनाब आपका ध्यान रखना बी एंड सी जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कब, 2024 में। तो अभी से मस्ट प्रिपेयर रहिए एज वेल, ओके, बिफोर दैट टाइम, मतलब वही हार्ड टाइम आने से पहले। तो बी और सी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, ए आपका ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि आपका जो बी होगा, बी और सी आपका सब्जेक्टिव टाइप्स होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना 2023 में। लेकिन 2023 में पूरे पूरे क्या है 100% चांस है कि आपका एग्जाम ए का तो हो ही रहा है 2023 में, बी और सी का भी 2024 में आपका क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा। तो ये मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ आपको जो एक तरीके से प्रूफ देने वाली बात, तो मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे हो ना एनसीसी डायरेक्टरेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जनरल चौधरी रोड है ना, क्या है, सिकंदराबाद 15, ये एड्रेस ही यहाँ का आप देख लेना, ठीक है, एनसीसी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो प्रिपरेशन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर बैंक फॉर एनसीसी ए एंड सी सर्टिफिकेट, ओके, ये आपको क्या ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप कुछ वैसी तो इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं है कि हाँ, ये देखो आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख रहे हो एनसीसी ए सर्टिफिकेट के यहाँ पर, कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम विल बी कंडक्ट एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप देख रहे हो पैटर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग ईयर आपका 2022 और 2023 में। आप यहाँ पर थोड़ा मिट रहा है तो मैंने आपको पूरा ही सेंटेंस कर दिया, एनसीसी ए सर्टिफिकेट विल बी कंडक्टेड एज द ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर मल्टीपल क्वेश्चन विद द बेसिक विद द टाइप्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ ओ एम आर सीट रिटर्न, यहाँ पर आपको ये भरना पड़ेगा फील। तो कौन से ईयर में, ट्रेनिंग ईयर यहाँ पर दे रखा है 2022 और 23 में, मतलब 2023 में आप जो दोगे वही हमारा ट्रेनिंग ईयर होता है, ओके। और ध्यान रखना मार्च एवरी ईयर जो हर मतलब साल दिया जाता है, मार्च में पेपर हो जाता है कहाँ पर, डायरेक्टेड का, किसका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का, ये आपको मैंने बता दिया। तो ये इनऑफ हो गई, और आगे मैं बात करता हूँ और। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे पूरी यहाँ पर लिखी हुई है कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न फ्रॉम टारगेट 2022 और 2023 ईयर है ना, ऑनवर्ड्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च ईयर जो हर साल होता है, हैविंग फ्रीडम टू कंडक्ट इन ओएमआर सीट और अदरवाइज एज पर कन्वीनियंस सर्टिफिकेट शुड बी इशूज टू सक्सेसफुल कैरियर बाय एंड मई एवरी ईयर पॉजिटिवली, और देने के बाद जो ना मई में, यानी मार्च में आपका मार्च में पेपर होता है ना, तो उसके बाद मई में आपका एग्जाम वो रिजल्ट है वो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ओ एम आर सीट पर होगा, तो अभी से अपनी आदत डाल लीजिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपको फिलअप करना है वो सभी चीज़ें, है ना। अब देखो यहाँ पर एनसीसी बी और एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर द टारगेट ईयर 2022-23 विल बी कंडक्टेड सिमिलर पास्ट एज वाज बीइंग डन इन द पास्ट, मतलब आपका जो 2022 में जो अभी ये पैटर्न, मतलब 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ है ना, किनका सर, बी और आपका सी सर्टिफिकेट का, तो उनका भी जो है ना 2023 में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, मतलब कैसे सर, सब्जेक्टिव टाइप में,
तो अभी आप चिंता मत करिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता भी दिया है कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ए का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और बी और सी का ध्यान रखना सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ओके। तो यहाँ पर लिखा भी आप देख भी सकते हो, एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 2023 और 24 में। तो अभी तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 22-23, लेकिन आपका एनसीसी बी और सी जो है ना 2024 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये आपको क्या ध्यान रखना है, ओके। एनसीसी सी सर्टिफिकेट फॉर द एग्जाम फॉर द टारगेट ईयर 2024, वही आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए और आगे बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं आपकी एक इनऑफ और है ये महाराष्ट्र डाट क्रेट की, तो इससे भी मतलब कैट्स हमारे काफ़ी जुड़े हैं, तो सर बोल रहे थे महाराष्ट्र का, जैसी मेरे को स्टेट वाइज जैसी इनऑफ आती रहेगी आपको थंबनेल के भ्या पर वहाँ पर स्टेट मेंशन कर दिया जाएगा, तो अपने लिंक के भ्या पर आप देख सकते हो, ओके। चलिए अभी ध्यान, मैंने आपको बिहार का बताया, बिहार में ध्यान रखना आपका ए हो चाहे बी हो आपका चाहे सी हो, तीनों को ही आपको दिखा देना ऑब्जेक्टिव टाइप ओटी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने आपको यहाँ पर बताया आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो ए सर्टिफिकेट है वो तो भैया ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे, लेकिन जो बी और आपके जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं वो क्या देंगे आपका सब्जेक्टिव टाइप्स, किसके लिए, ये 2023 में और ये भी 2023 में, लेकिन 2024 में ये ध्यान रखना कैसा देंगे, तो ये आपका ध्यान फिर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो भैया महाराष्ट्र को तो आपको पता होगा फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, विच स्टेट इज कॉल्ड फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से मैं रेवेन्यू कलेक्ट वहीं से होता है, वित्तीय संस्था, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र डायरेक्टेड में जो आपका ए सर्टिफिकेट है उसका जो एग्जाम होगा कंडक्ट वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, बिल्कुल सेम एज यूजुअली पैटर्न और सिमिलर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टेड। तो ए सर्टिफिकेट जो महाराष्ट्र के कैडेट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कौन से ईयर के लिए, 2023 के लिए। बी सर्टिफिकेट का ध्यान रखना सब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव टाइप का मतलब सर आप बोलते रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप, मैं आपको बताऊंगा, रुकिए, सब्जेक्टिव टाइप आपका 2023 में और सी सर्टिफिकेट का आपका जो सब्जेक्टिव टाइप्स होगा 2023 में, यानी कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र डायरेक्टेड में जो ए सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं गर्ल्स या बॉयज़ हैं उनका ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर होगा 2023 के लिए, लेकिन बी और सी सर्टिफिकेट वालों का सब्जेक्टिव टाइप्स पेपर होगा 2023 के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर फिर मैंने एक मेंशन कर रखा है बी एंड सी सर्टिफिकेट विल कंडक्ट एज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 2024, यानी 2024 में आपका बी और सी का भी कैसा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। मैंने आपको पर्पस भी बता दिया क्यों होगा, क्योंकि एनसीसी और बच्चे जो भी है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और मोस्टली जो है ना फिर आपके आर्मी सी है ना मैं बात करूँ आपका एफ कैट हो गया है ना CDS हो गया, तो इन सभी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको एज अ मतलब OMR सीट पे या कुछ हमारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही वहाँ पर हमें फुलफिल करने होते हैं उसके भी आप पर। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भी देख रहे हो आप, 17 महाराष्ट्र डायरेक्ट बटालियन NCC पोस्ट मतलब एड्रेस लिखा है वहाँ का अहमदनगर, ठीक है ना। 16 नवंबर ध्यान रखना 2022 की अभी की ताज़ा इनऑफ है, ये ध्यान रखना है। NCC सर्टिफिकेट एग्जाम 2022-23 के लिए है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो सुनिए ये वाला, तो ए सर्टिफिकेट एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड लाइकली टू बी कंडक्ट ड्यूरिंग लास्ट वीक जनवरी 2023 में। तो यहाँ ध्यान रखना आपका क्या होगा, ए सर्टिफिकेट जो एग्जाम होगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा और वो कंडक्ट कब होगा, तो जनवरी बताया, जनवरी ड्यूरिंग पहले वीक में, पहले कह रहा हूँ लास्ट वीक में, मतलब फरवरी से पहले यानी जनवरी के लास्ट वाले वीक में 2023 में आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो बी सर्टिफिकेट एग्जाम लाइकली बी कंडक्ट ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा 2023 में, लेकिन कैसा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं सब्जेक्टिव टाइप। सी सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर विल बी सर्टेनली प्रिपेयर एंड एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन थर्ड संडे ऑफ फरवरी को। अब तीसरे संडे कहाँ पड़ता है, तीसरे हफ्ते में पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो आप रिजिंग तो पढ़ते होंगे कैलेंडर है ना, तो फेम में, तो इसमें पड़ता है। OMR बेस ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ ऑल एग्जाम प्लान बाई 2024, और 2024 में जितने भी डॉक्टर हैं उनके ए बी और सी सर्टिफिकेट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्लान किया जा रहा है 2024 में, सभी डायरेक्टेड के जितने भी हैं सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाले, तो उसकी चिंता मत करिए, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, ये आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आपको मतलब ए बी और सी देने से पहले आपको कौन कौन से कैंप करने जरूरी है वो सभी, ओके। तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल की स्टैंप है 17 महाराष्ट्र बटालियन की, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ कैट कह रहे होंगे कि सर हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप्स बताइए, सुनिए अब मैं अब आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो क्रेज चल रहा है किसका, डर रहे हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्या होता है कि ये क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने बोला हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमांड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ
कमांड इन यूज एनसीसी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमांड इज यूज इन एनसीसी? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन डाल दिया ए, बी, सी और डी। तो यहाँ मैंने ऑप्शन डाल दिया, तो ऑप्शन है मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपका ध्यान रखना है 2, 3, 1 और 4। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर पिकअप करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमांड इन एनसीसी, यानी एनसीसी में तो कमांड होती है कितने टाइप्स की होती है, तो एक या दो या तीन या चार। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2। यानी आपको यहाँ पर ना, अब क्या है कि आपको पता होगा जब भी आप आंसर दोगे, सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता था कि कुछ नहीं लिखना है, मतलब क्वेश्चन आता है लिखना पड़ता है, तो आप मतलब बिना पढ़े भी कुछ लिखते तो नंबर मिल जाते थे, लेकिन अगर हमारे में तुक्का बैठाया तो नंबर कटेंगे ही। ओके, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि आप सब्जेक्टिव टाइप्स कैसे कह रहे हो सर, हमें वो बता दीजिए, तो वो भी बता देते हैं, बिल्कुल आए हम किस लिए। ओके चलिए, अब बात कर लेते हैं आपका सब्जेक्टिव टाइप्स। सब्जेक्टिव टाइप्स, अब सब्जेक्टिव टाइप्स क्या होता है ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन आता है कि राइट द 10 लाइन ऑफ, यहाँ मैं सही लिख देता हूँ थोड़ा और आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैंने बोला है कि राइट द 10 लाइन ऑफ गुड लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको 10 लाइन लिखने पड़ेगी आंसर के यहाँ पर। तो आपको थ्योरी ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे। अगर आप ध्यान रखना यहाँ पर 10 में से 5 भी लिख देते हो तो आपको वहाँ 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि आपको ए, बी और सी, डी अगर आता होगा तो सिंपल सी बात है लगाओगे, तो उसके भी पर यहाँ पर थोड़ा आपको मतलब एक तरीके से गिल्टी फील होगा कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ एक आपकी हैबिट हो जाएगी कि आपको कैसे क्वेश्चन पिकअप करना है। ओके ये चलिए बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर हम पढ़े कहाँ से ये सभी चीज़ें, तो हमें वो बता दीजिए। ये ध्यान रखना मैंने अभी आना आपको वही स्टेट तीन डायरेक्टरेट बता दी मैंने आपको, बिहार एंड झारखंड, आपका आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, सॉरी आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बिहार एंड झारखंड और महाराष्ट्र। तो इन तीन के बारे में मैंने बता दिया, और भी जो आती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो चैनल से इसलिए ही आपको यहाँ पर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वो सभी मिलते रहे। अब सर हम पेपर कैसे करें, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या आपका ध्यान रखना सर सब्जेक्टिव हो, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जब तक आप बेसिक नहीं करोगे क्लियर, जब तक कुछ नहीं होने का, ये मैं सोचिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स पढ़ेंगे, नहीं, जब तक आपकी थ्योरी ही कवर नहीं होगी तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान रखना जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं सही मूल मंत्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसा थ्योरी के भ्याप पर ही बनते हैं। ओके ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको पता ही होगा उसके भ्याप पर। तो ये एक हमारी ध्यान रखना है कॉम्बो निकाला था मैंने, हमने इनोफ आने से पहले एक हमारा 99 का कोर्स था जिस पे मैंने क्या थी पहले 10% का डिस्काउंट दिया था, लेकिन अब मैं आपको ध्यान रखना यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो रीज़न ये था कि कुछ कैडेट्स बोल रहे थे कि सर हमें जो PDF है ना वो निकालने पे कॉस्टली पड़ जाती है प्रिंट। मैं भी मानता हूँ, मैं भी निकालता हूँ, तो मेरे को भी पता है उस चीज़ के भ्याप पर। तो इसलिए हमने ध्यान रखना 99 का तो हम दे रहे हैं ये सभी, प्लस ध्यान रखना इसे 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना 79.20 के भ्याप पर पड़ेगी, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा सर, आपके TSC नोट्स मिलेंगे जो आप 2023 में एग्जाम में दोगे, साथ ही साथ NCERT ट्रिक बुक मिलेगी। इसमें क्या होगा सर, इसमें वो सभी क्वेश्चन हैं जो लेवल वास्ट होता है उसको आप कम समय में कैसे पिकअप करेंगे वो सभी, और ध्यान रखना ये थ्योरी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ना इतनी काम आने वाली है, देख लेना आप, है ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल है ना, हाँ, और साथ ही साथ ध्यान रखना हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैथड टू फाइंड द, मतलब एक तरीके से ना टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वन, वो सभी यहाँ पर, और साथ ही साथ आपके ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर और ऑल बेसिक नोट्स जो हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ाए 2021 में सारे, सॉरी 2022 में, वो सभी यहाँ पर डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे एज ए PDF फॉर्म में, और सभी डिटेल्स नोट। तो ये सभी कॉम्बो है 99 का 20% डिस्काउंट बाय लैंग्वेज, और साथ ही साथ आपको फैसिलिटी ग्रुप में दिया जाएगा, आपकी जो भी क्वारीज आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है। तो बस इस सेशन में इतना ही, ये हमारी डिटेल्स है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और अगर आपकी कोई क्वारीज रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सजेशन हो पढ़ाने के भाव पर कैसा भी, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, है ना। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, और सारी चीज़ मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से बता दी है। तो इस सेशन में इतना ही, बाकी जो भी इनोफ मिलती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।